नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने BCOM पार्ट थर्ड ईयर के लिए यूरो मुद्रा बाजार की विशेषताएं, और आज हम पढ़ेंगे यूरो मुद्रा बाजार से संबद्ध पक्ष अथवा अंग, अर्थात यूरो मुद्रा बाजार की पार्टियां। तो यूरो मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने वाले तथा यूरो मुद्रा की मांग करने वाले सभी पक्षों का समावेश होता है। यूरो मुद्रा की पूर्ति के स्रोत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न निर्यातकों, व्यापारी तथा व्यापारिक संस्थाएं, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय निपटारा करने वाले बैंक आदि हैं। जबकि यूरो मुद्रा की मांग करने वाले पक्षों में आयातकर्ता, व्यापारी, व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक तथा देश की सरकारें आदि आते हैं। इन पक्षों को हम नीचे दी गई तालिका में बता सकते हैं। यूरो मुद्रा बाजार की पार्टियां अथवा अंग। यूरो मुद्रा के पूर्ति पक्ष अथवा यूरो मुद्रा के विक्रेता। तो यूरो मुद्रा के विक्रेता हैं, जिसमें सबसे पहला है निर्यातक, व्यापारी व संस्था हैं। दूसरा, विदेशी विनिमय व्यापारी। तीसरा, व्यापारिक बैंक। चौथा, केंद्रीय बैंक। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। छठा है निजी व्यक्ति या संस्थाएं, और सातवां है गैर बैंकिंग संस्थाएं। इसी प्रकार यूरो मुद्रा का मांग पक्ष अथवा यूरो मुद्रा के क्रेताओं में है आयातकर्ता, व्यापारी व संस्थाएं। दूसरा, विदेशी विनिमय व्यापारी। तीसरा है व्यापारिक बैंक अथवा वित्त। चौथा, सरकारें एवं पाँचवा केंद्रीय बैंक। छठा, विकास संस्थाएं, और सातवां है स्थानीय निगम। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यूरो मुद्रा बाजार के विभिन्न स्रोत अथवा पूर्तिकर्ता पक्ष। पूर्तिकर्ता पक्ष का मतलब विक्रेता पक्ष। यूरो मुद्रा बाजार में गैर निवासियों द्वारा अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों के बैंकों से वहाँ की घरेलू मुद्रा के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं की जमाओं का समावेश होता है। अतः यूरो मुद्रा के स्रोत विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता पक्ष निम्न प्रकार हैं, जिनमें है, देखिए, सबसे पहले निर्यातक, व्यापारी संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्यातक, व्यापारी विदेशी मुद्राओं से प्राप्त नकद भुगतान को यूरो मुद्रा बाजार के लाभ प्राप्त करते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंकों में जमा कराते हैं। इससे यूरो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है इसी का, विदेशी विनिमय के विक्रेता व्यापारी। बहुत से विदेशी मुद्रा के व्यापारी यूरो मुद्रा के सौदे करते रहते हैं, वे अब यूरो मुद्रा की बिक्री करते हैं, तो यूरो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। ये सौदे प्राय विनिमय दरों में अंतर का लाभ उठाने अथवा दरों में अंतर का लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। इसी में तीसरा बिंदु है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी लाभ कमाने की दृष्टि से यूरो मुद्रा को अपने पास रखते हैं, और जब कोई ग्राहक उनकी मांग करता है तो व्यापारिक बैंक यूरो मुद्रा बेचते हैं या उसे उधार दे देते हैं। इससे व्यापारिक बैंकों द्वारा यूरो मुद्रा की पूर्ति होती है। व्यापारिक बैंक अपने पास जमा विदेशी मुद्राओं के कोषों को दूसरे देशों के बैंकों में जमा कर भी यूरो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। अगला है केंद्रीय बैंक। आज विश्व के प्राय सभी देशों में केंद्रीय बैंक स्थापित हो चुके हैं। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन बैंकों के पास देश के विदेशी विनिमय कोषों का संग्रह होता है। जब ये बैंक अपने विदेशी विनिमय कोषों को दूसरे देशों के बैंकों में जमा कराते हैं, तो न केवल लेन देन में सुविधा रहती है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में संतुलन रखकर व्यापार चक्रों से रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक भी यूरो मुद्रा में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसी का अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को निपटाने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों की मुद्राओं का लेन देन करता है। जब यह बैंक विदेशी मुद्रा बेचता है या उधार देता है, तो इस दृष्टि से यह यूरो मुद्रा पूर्ति का प्रमुख स्रोत है।
इसी में अगला बिंदु है निजी व्यक्ति अथवा संस्थाएं। कई बार निजी व्यक्ति अथवा निजी संस्थाएं विदेशों में अर्जित विदेशी मुद्रा का को ब्याज कमाने तथा विदेशी मुद्रा में तरलता बनाए रखने के लिए ऐसे विदेशी बैंकों में जमा करा देते हैं जो उसे गोपनीय रखते हैं तथा उसी मुद्रा में भुगतान का वचन देते हैं। प्राय राजनेता, दलाल, व्यापारी, उद्योगपति, अभिनेता, धर्म प्रचारक, ठेकेदार आदि यूरो मुद्रा की पूर्ति अपनी विदेशी बैंकों में जमा विदेशी मुद्रा से ही करते हैं। अगला बिंदु है गैर बैंकिंग संस्थाएं। तो कई बार गैर बैंकिंग संस्थाएं जैसे बीमा कंपनियां अथवा व्यवसायिक कंपनियां अपने द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के को विदेशी बैंकों में उनके स्वदेशी की मुद्रा के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में जमा कराते हैं तो उससे भी यूरो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और इसको ब्याज से आय प्राप्त होती है और धन को और धन की विदेशी मुद्रा में तरलता भी बनी रहती है। अब हम पढ़ेंगे यूरो मुद्रा का मांग पक्ष अथवा यूरो मुद्रा के क्रेता। तो यूरो मुद्रा बाजार को उधार लेने वाले अथवा उसकी मांग करने वाले पक्ष भी प्राय वही हैं जो उनकी पूर्ति के स्रोत हैं। अंतर केवल इतना है कि जब वे विदेशी मुद्रा जमा कराते हैं या उधार देते हैं तो यूरो मुद्रा की पूर्ति के स्रोत बन जाते हैं, किंतु जब वे स्वयं यूरो मुद्रा की आवश्यकता कारण मांग करते हैं अथवा उधार लेते हैं तो मांग पक्ष में भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आयातकर्ता तथा व्यापारिक संस्थाएं। जो व्यापारी या व्यापारिक संस्थाएं आयात करती है तो इन आयातों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने के लिए वे यूरो मुद्रा बैंक से विदेशी मुद्रा की मांग भी करते हैं। इसी का दूसरा बिंदु है विदेशी विनिमय व्यापारी। जब विदेशी मुद्रा के व्यवसायी ब्याज दरों का लाभ उठाने अथवा विनिमय दरों में अंतर का लाभ उठाने के लिए यूरो मुद्रा की मांग करते हैं तो यूरो मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसी में तीसरा बिंदु है व्यापारिक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं। जब व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरो मुद्रा बाजार में यूरो मुद्रा की मांग करते हैं अथवा अपने आरक्षण कोषों यानी रिजर्व फंड में विदेशी मुद्रा को रखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से यूरो मुद्रा की मांग बढ़ती है। कभी कभी कुछ वित्तीय संस्थाएं भी यूरो मुद्रा की मांग करती हैं। इसी में है अगला बिंदु सरकारें। जब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें अथवा स्थानीय सरकारें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरो मुद्रा उधार लेती है तो सरकार भी यूरो मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण मांग पक्ष बन जाती है। केंद्रीय सरकारें भी कभी कभी विदेशी विनिमय संकट से बचने के लिए यूरो मुद्रा खरीदती है। इसी में है अगला बिंदु है केंद्रीय बैंक। जिस प्रकार केंद्रीय बैंक अपने विदेशी विनिमय कोषों को कभी कभी दूसरे देशों में जमा करते हैं उसी प्रकार केंद्रीय बैंक कभी कभी अपने विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग भी करते हैं। जनता में देश की मुद्रा का विश्वास जमाने के लिए कभी कभी केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा अपने कोषों में रखने के लिए यूरो मुद्रा की भी मांग करते हैं। इसी में है अगला बिंदु है विकास संस्थाएं, यानी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। यूरो मुद्रा बाजार से कई विकास संस्थाएं अपने विकास कार्यों के लिए यूरो मुद्रा की मांग करती है। अल्प विकसित देशों की कई विकास संस्थाएं यूरो मुद्रा बाजार से ऋण लेती है। कई ठेकेदार संस्थाएं भी अपने कार्यों को संपादन के लिए यूरो मुद्रा ऋण लेती हैं। इसी में है अगला बिंदु स्थानीय निगमों की मांग। कई बार स्थानीय निगम अथवा स्थानीय सरकारें भी अपने द्वारा संपादित होने वाले विकास कार्यों के लिए यूरो मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा की मांग करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरो मुद्रा बाजार में यूरो मुद्रा की पूर्ति करने वाले तथा मांग करने वाले पक्ष लगभग एक जैसे ही हैं।